नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोज़ जो है मैंने कंटिन्यू इसी पर डाली है, इनके लिंक पर, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है उस पर। तो हो सकता है एक दो दिन में ऐसे टीचों पर वीडियो आ जाए वो थी। तो आज हम बात करेंगे आरपीएम के बारे में, रेवोल्यूशन पर बेंच के बारे में। तो देखिए ये क्या होता है, कहाँ से निकलता है। ये हमारे पास एक इंसर्ट का बॉक्स है, इस पर बीसी लिखा हुआ देखो, ठीक है। कोई भी हो, चाहे इंसर्ट हो, किसी भी इंसर्ट हो, उस पर बीसी लिखा होगा। जैसे इस पर बीसी लिखा है, ये देखो बीसी 135 दो चीज़ में दिया है। तो मीटर पर मिनट, एक होता है सरफेस फीट, सरफेस पर मिनट, ठीक है। तो हमको मीटर पर मिनट पे जाना है। ये होती है इंसर्ट की कैपेसिटी, कितना दिया हुआ है 135। तो आरपीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वीसी इंटू 1000 अपॉन पाई। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्पिंडल। वीसी इक्वल टू कटिंग स्पीड, यहाँ पे पाइप की वैल्यू होती है 3.14, वो डाया यहाँ पे जॉब का डाया, डाया ऑफ जॉब। सीएनसी में जॉब का डाया लेंगे, बीएमसी में का। आरपीएम कैसे निकलता है हम उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो डाया आपको किस किस चीज़ से मतलब है, पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं। वीसी कितनी दे रखी है उसके अंदर, वीसी देखिए आप 135 इसकी वीसी दे रखी है, 135 देखिए 135 दिया हुआ है, 145 सॉरी 145 मीटर पर मिनट है ना। तो 145 इंटू 1000 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। यहाँ डाया कितना, मानो मैं डाया ले लेता हूँ 50 का, ठीक है। इसको इंटू करके जो वैल्यू आएगी हमारी, टोटल ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमारी 923 ये होगी। तो ये हमारे आरपीएम होगा, ठीक है। तो लगभग आप 900 का आरपीएम दे सकते हो। तो देखिए फिर आप फिनिशिंग भी कितनी ज़बरदस्त आएगी, और फीड भी इसके अकॉर्डिंग रखनी होती है, तो फीड भी इंसर्ट पर दी होती है दोस्तों। तो लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे ओनली आरपीएम के बारे में। तो इस तरह से आप इजीली आरपीएम निकाल सकते हो। यहीं पे अगर आप डाया रखते हो 100 का, तो 100 के डाया पे भी आपका जो आरपीएम आएंगे वो 461 के आसपास आएंगे, यानी आप लगभग 400 से 450 आप इसमें आरपीएम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इजीली आपको पता चल जाएगा, जो वीसी इस वाले बॉक्स पे दे रखी है वो वीसी है 140 मीटर पर मिनट। ये सीएनएमजी इंसर्ट है देखो, 12004 वाली, ठीक है, सीएनएमजी। और ये जो ऊपर दे रखा है आपको, ये फीड दे रखी है आपको 0.15 की। तो आपको जो फीड देनी है वो 0.15 की देनी है, एमएम पर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको देना है सारा, बाकी सारी इसकी ग्रेड दे रखी है, कौन कौन सी ग्रेड होती है, क्या होती है, सारा कुछ। अगली बार हम इस ग्रेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये ग्रेड हमको क्या बताती है, कैसे बताती है, इसमें कैटलॉग से देखना पड़ेगा। चाहे आप ये वाली इन सब देख लीजिए, इसमें भी देखो फीड दे रखा है, एफएम दे रखा है ना आपको, तो फीड हो। और ये डब्ल्यू एनएमजी इंसर्ट है, ये 332 वाली एचएस की हाई स्पीड, यानी ये आपको दे रखा है सारा कुछ, पीसी वगैरह। तो ये हमारा आरपीएम की वीडियो थी। आशा करता हूँ जीएनए एक्सपर्ट चैनल का आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उसको लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।